तो गाइस झमाझम आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो झमाझम मेहंदी लगाने का तरीका भी देखो। ये मनीषा जी बाप रे एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे और जो बोले बुलेट ट्रेन हो गई है इतना। देखियो मेहंदी दिखाओ, फोटो खींच रहे हैं। नर्सरी में भी मैनेजर ने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था, सबको भी कही थी। सून टू बी डैड, मतलब सून टू बी डैड। दीदी ने शुरुआत कर दी है मेहंदी लगा करके, मेहंदी रस्म की। तो गाइस ये वाला ब्लॉग पसंद आया लाइक में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब प्यार दीजिएगा। चलते हैं, ईशा जी एकदम झमाझम लगाती है। चलो अभी ये फॉर्म में नहीं आई है, जब फॉर्म में आ जाएंगी फिर तहलका मचाएंगी। चलो ठीक है, इनको बहुत शौक है। पट 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 भी लगा दो। थोड़ा हमारी एक बहन है, इनको सारा शौक इन्हीं को है, बहुत शौक रहता है। अच्छा है ना, भी चीज बहुत हर चीज का रौनक बन जाता है। रौनक बन जाता है। मेहंदी है रसाली रवाली, हाथों में गहरी लाली, सुनी सखिया कब गलिया हाथों में खिलने वाली है। मेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। बस सब खुश हो गए उसके बाद। इतने बड़ा ही रील्स होता है, ज्यादा बड़ा रील्स नहीं होता है। इसी बात पे खूब लाइक करो। अच्छा तो गाइस झमाझम आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो झमाझम मेहंदी लगाने का तरीका भी देखो। ये मनीषा जी बाप रे एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे और जो बोले बुलेट ट्रेन हो गई है, इतना खतरनाक, इतना फास्ट भाई साहब, इतना तेज लगा रही है भाई साहब, खतरनाक लगा। देख रहे कुछ ही सेकंड में पूरा हथवा भर दीजिए। दीदी का भी देखो भर दी, देखे अरे बाप रे इतना लंबा। ए सचिन भाई का कर्म किए थे जी, सर्वगुण संपन्न बीबी पा गए। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। मम्मी जी को भी लगाते हैं ना, सब भी बोलता है, ज्यादा लोग बोर भी नहीं होता है लगवाने में। हाँ जल्दी जो लगाते हैं सही रहता है। बड़ी माँ लिखवा दो, लिखा है इसमें बेबी लोडिंग प्लीज वेट, लोड करा दो मनीषा जी। चलो क्या लिखो बताओ, कुछ भी लिख दो यार, लिखो क्या लिखो। किट्टो के होने वाले बच्चे के पापा, किट्टो के होने वाले बच्चे के पापा। स्पेलिंग मिस्टेक माफ होगा, कोई बात नहीं। क्या लिखे वाले, थोड़ा सा कुछ बनवान वाले हो। टू बी फादर, हाँ और क्या। अभी ये सोच रही है कि क्या करें क्या ना करें, बच्चे के पापा के लिए कुछ अच्छा सोन टू बी डैड ऐसे लिख दो। सोन टू बी डैड लिख दो, किट्टो किट्टो के पापा, किट्टो के पापा का लिख भाई यार। सून टू बी डैड, बस सून टू बी डैड, सून टू बी डैड ऐसे। हां भाई तो हम भी बोले हैं पापा कमिंग सून, पापा कमिंग, पापा थोड़ी सून आएगा बेबी से नहीं। चलो सून टू बी बेबी, सून टू बी पापा, सून टू बी डैड लिखो ना, सून जल्दी पापा थोड़ी बनने वाले ही है। हां जल्दी पापा बनेंगे हम, ये खतरनाक का लिखा है। मनीषा जी एक खतरनाक है। हाँ तुमको वो जो था ना वो हार्ट करके बनाना चाहिए था, लो एक ठो हार्ट हो गया। नहीं एक को नहीं बना। राइटिंग तो जबरदस्त है हिंदी में भी।
इसी बात को सब कैपिटल में लिखना चाहिए। नहीं देखो ये मैं राइटिंग में पसंद आ रही है। चलो इसी बात तो पैसे हैं। सुन टू का ओ ना धार बना देना। ये बता रहे हैं और ये बना रही है। टी ओ गाय अभी धार वो देखियो मेहंदी दिखाओ। मेहंदी तो फोटो खींच रहे हैं। अरे तुम हाथ हटाओ हटाओ। अच्छा लीजिए हटा दिए मम्मी का। इधर देखो किट्टू। मैं देखूं और यहाँ पर मनीषा ने लगाया है मेहंदी। अरे भाई दिल भी बना दिया। क्या करे मनीषा तुम कैसे लगाओ। एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की। सून टू बी डैड बट ही इज वेरी बैड। हे डैड सून टू बी डैड खतरनाक। यू लुक वेरी बैड। मेहंदी लगाने पर नींद ज्यादा आती है क्या। वेरी गुड डैड। लाल रस बनाता है यार। क्या एकदम लाल हो गया। क्या खोली तो गाइस डायमंड फैक्ट्री गया था मैं। क्या बड़ी बात। जब इनसे मेरी इनसे शादी हुई ना ये आए थे हमको हमारा चौथी था ये आए ना तो हमारे घर के जितने सब लोग थे कहे बाप रे लड़कवा अखिया तुम काहे तक बड़ा बड़ा लगत आते काहे तुम अखिया लाल बाटे अभी देख रहा कैसे देख रहा है। ये तो ने उठा कि नींद ना पूरा हो एक बार आके से चढ़ जाते हैं इनकर सब पे आके चढ़ जाए नींद ना पूरा हो सब पे आके। हां अभी देखो कैसे चढ़ गए इतना सीधे आए थे इनके तो लगा लो मनीषा कभी सोचे थे कि आपकी जिंदगी में हम लोग जैसे लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। जवाब नहीं मिला। गुरुवार को सुनी तो जी बहुत किट्टो किट्टो सुनो तो जब तुम शादी करके आई नए घर में अपने इस घर में तब तुम सोची थी कि कभी जीवन में हम लोग मिलेंगे। कॉन्सेप्ट देखो लॉजिक तो हम जाने ही नहीं थे आप लोग मतलब सोची थी कि कोई अच्छा लोग मिलेगा इतना अच्छा आगे घंटी बज गई। हां कुछ नहीं लगता घर से बड़ी बात है घर तो कभी नहीं पहले घंटी कहां से बज गई घंटी बाहर से बजा होगा। अच्छा जूता खोल रहे हैं यहां पे कैमरा में दिख रहा है कहां देना है फोल्डर नहीं लिखेंगे ना ऊपर से कॉल देंगे। अरे लिख लेती अरे लिख लो बढ़िया देखो मनीषा कॉलेज में नहीं लग रहा क्या मेहंदी का मनीषा थक नहीं रही आज लगाने के लिए। अच्छा यहाँ पर बड़ी माँ बड़ी मसी फर्जी दादी है मनीषा के भोले बाबा दे ये रहूं अपन लिखे मेरे हाथ पर दादी। हाँ सही बात है हमके बहुत सऊद दादी अब तुम लिखो ना तुम लगाओ तब यहाँ पर सबको मेहंदी लगा दी। अच्छा यहाँ पे बुआ जी का भी लग गया छोटी बुआ उधर बड़ी बुआ ऊपर क्या लिखा हुआ है कहाँ लिखा अरे ये तो देख लीजिए सब जने दिखाई देना अपन अपन अच्छा देखो कहाँ मेहंदी लगा रही है डिजाइन देखो ये लल्ला की माँ है इसको लिख लो लल्ले की माँ हमको लगाना ही नहीं लगा ली ना कपड़ा गया गया जाके धो लो छूट जाएगा आला से छूट जाएगा अच्छी तुम लोग भी लिखवा लो हो जाएगा तो वही से लेके आया तस्वीर या ना जो रखे वही बोले नाच दीदी बनूंगी लिख तो नहीं तो दीदी बनी गई है क्या लिखेंगे दीदी दीदी लिख के हार्ट लिख देना दीदी बनी बन गई दीदिया दीदिया रे
प्राची का वृद्धि सोनाक्षी दिल बहुत बड़ा हुआ ना सोनाक्षी नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस मॉर्निंग हो चुकी है। रात में आप लोगों ने देखा कि हमारे हाथों में मेहंदी लग चुकी है और मेहंदी लगाने वाली है मनीषा जी। हमारी यूनिवर्सिटी में भी मनीषा ने भी लगाया था और घर में और भी सारे लोग आ गए हैं। इधर गोलू वगैरह सब बैठे हुए हैं। ये वाला कमरा आई थिंक खाली है, ये कमरा खाली पड़ा हुआ है। अभी मुझे जाना है सब्जी वगैरह लाने के लिए और भी सामान लाने के लिए। दीदी नहा चुकी है तो गुड मॉर्निंग दीदी, नहा धो के एकदम चकाचक हो गई है। अभी अपना अपना मेकअप का जो भी सामग्री है सब धीरे धीरे करके अपना अस्त्र शस्त्र निकालेंगी, लास्ट में ब्रह्मास्त्र यूज करेंगी। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए आप सब लोग, और उम्मीद करेंगे कि ये वाला ब्लॉग भी आप सब लोगों को बहुत ही प्यारा लगे। आप देखो मनीषा और किटो ये बातें कर रही हैं आपस में, मनीषा जी देख रही हैं किचन, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है ना, ये भी अपना बनवा रही है तो एक आइडिया हो जाएगा कैसे। ये वाला भी देखो बॉटल कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया था। पसंद किसने किया था? पाँच लोग आएंगे, दस लोग आएंगे। गाइज और किटो अपना पूजा पाठ कर रही, मैं भी चलता हूँ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर आता हूँ। ठीक है जाऊँ जल्दी अपना, तो मैं जल वगैरह दे करके आ गया गाइज। और किटो रानी ने भी पूजा पाठ कर लिया है, दिया जल चुका है। ये वाला दिया काफ़ी अच्छा है, किटो वाला काफ़ी बड़ा था, ये वाला सही लग रहा है। एक में दो है क्या? एक ही है, एक ही है। तुम अभी डेकोरेशन वाला आ रहा है और अमित भाई को दूल्हे की तरह डेकोरेट, हलवाई वाला तो अभी आएगा वो अपना तामझाम लेकर। हे अमित जी बाहर से खाना आएगा सब, हम कहा गोलगप्पू आएगा, गुलाब जामुन भी आएगा, बड़का वाला है गुलाब जामुन। दिल्ली में बहुत अच्छा मिल जाता है, बाहर का खाना घर जैसा होता है ना। उस दिन मंगाया था कुछ बनाया, उसमें गुलाबजामुन मस्त खाना, बिल्कुल मस्त टेस्टी खाना है। आपके लिए हम स्पेशल एक्स्ट्रा गुलाब जामुन बोल दिए, हमको मनीषा जी आए थोड़ा गुलाब जामुन शौकीन है। इसके बाद वो मिलेगा आपको, पनीर वाला पकौड़ी मिलेगा, गोभी वाला पकौड़ी मिलेगा, चहिया मिलेगा। ये सोना चहिया है, सोना पकौड़ी भी है। अभी तो पार्क में जाएंगे अमित भाई के। हाँ पार्क में जाओ, घुमाओ पार्क में जाओ। अब सुबह सचिन भाई दिखाने का बंदा, यही बंदा पैसा वसूल रहा है। एक अंकल है, एक अंकल है मुझे डेली सुबह दिख जाता है एक्सरसाइज करते, मैं यही पैसा वसूल रहे हैं पूरा। सोना तुम नहा ली? तो गाइस जमाज हम तैयारी चल रही है और किट्टो भी पूजा, किट्टो पूजा पूजा कब हो गया कंप्लीट? और कहा जाते हैं तैयार हुए, तैयार हुए कहाँ जाओगे तैयार होके? नकिया आप ही बोले, नकिया छुआ एक बार आप ही बोले, नकिया किट्टो का जीभ नाक में टच कर जाता है, टच करा बहुत बड़ा जीभ निकलता है इसका। मैं नागिन हूँ पिछले जन्म की, पिछले जन्म की नागिन है, सचिन भाई टच करा ले रहे यार। अरे वाह, मतलब ये भी, ये देखो ये भी मैच कर रहा है इधर सचिन भाई, आप करा लेते हैं यहाँ तक टच हो जाता है। अरे तो ये नाक थोड़ी नच चाट रहे ये तो ये टच कर रहे हैं, मेरा तो नहीं होता है, इनका तो, इनका तो यहाँ तक नहीं है। दोनों का जीवन बहुत लंबा है, तेज है। तुम लोगों की जुबान, हम लोग मेंढक के पिछले जन्म में, ये पीली वाली थी, ये नीले वाले थे। तो कहाँ पे डेकोरेशन कराएंगे? चलो वो डेकोरेशन वाला आएगा तो उसको उसमें ऐड करेंगे। चलो खाना पीना भी बन रहा है तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी और ज्यादा काम है, कुछ सामान लाना घर के लिए। तो गाइस इस वाले ब्लॉग पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके हमारी मेहंदी कैसी लगी आप सब लोग को देखो बताइए। लव यू ऑल, बाय बाय। एक दो बजे और ब्लॉग आएगा वो जरूर देखिएगा आप लोग।